तो हम लोग गए इस गाड़ी में बैठ गए हैं और हमने लिया है मिनी बस और सारा सामान एक तरफ आगे कर दिया है और हम लोग बैठ गए हैं पीछे। और होटल तो हमने बुक की है लेकिन अभी बज रहे हैं 5:30 और चेक इन जो है 2 बजे का है। तो चलिए चलते हैं होटल में और देखते हैं होता क्या है। फाइनली गाइज हम पहुंच गए होटल। होटल का नाम है एटलस जो बिल्कुल हरम के सामने है। और होटल के जो चार्जेस है वो अगर आपको जानना है तो कमेंट में आप लिखिए, उसके चार्जेस हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप लोग को भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़री के नज़दीक ज़ियारत करनी है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, तो मैं वो ज़री आपको बहुत नज़दीक से इंशाअल्लाह कोशिश करके दिखाऊँगी। इंशाअल्लाह उस वक्त आपकी हाजतें आपकी दुआएं कबूल होगी। तो चलते हैं होटल के अंदर और उसकी लॉबी देखते हैं कैसी है। तो ये है रिसेप्शन एटलस का और काफ़ी बड़ा रिसेप्शन है, इसका मतलब यहाँ पे कस्टमर फ्लो बहुत ज़्यादा है। लॉबी भी बहुत बड़ी है और हम लोग खुद भी अभी लॉबी में बैठने वाले हैं। जब तक चेक इन नहीं होता है मैनेजर नहीं आ जाते हैं, हमारा सामान जो है अंदर रख दिया गया है और हम लोग यहाँ बाहर बैठेंगे। तो गाइस अभी तक हमको रूम अलाउट नहीं किया गया है तो हम लोग अभी लॉबी में बैठे हैं और लॉबी में भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से डेकोरेशन है। ये है पर्शियन आर्ट और ये आईने के ऊपर पेंट किया हुआ है तो बहुत खूबसूरत है, बहुत मस्त है, बहुत मज़े का है, अच्छा लग रहा है देख के भी। ऐसा लग रहा नहीं है कि हम लॉबी में बैठे हैं बल्कि ऐसा लग रहा है कि कोई हम गार्डन में आके यहाँ बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स और ट्रीज और प्लांट सब लगे हुए हैं और फाउंटेन भी बना है लेकिन अभी फाउंटेन इस वक्त चालू नहीं है। और लॉबी में भी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है कि एक एक फैमिली के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है तो बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट है। काफी बड़ी लॉबी है ये। तो अभी तक हमको रूम नहीं मिला है तो हम सोच रहे हैं कि बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कुछ चाय कॉफी मिल जाए तो हम वो पी लेंगे। तो यहाँ पे भी कॉफ़ी शॉप है लेकिन ये खुला नहीं है इसलिए हम लोग जो है बाहर जाके पियेंगे और जब ये खुलेगा तब यहाँ पर भी एक बार आके एंजॉय करेंगे। तो हम आ गए एक शॉप में, वहाँ पे हमको दिखी ये कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी है, इसको हमने इसमें डाला और उसके बाद जो है हमने इसमें गर्म पानी डाला। गर्म पानी जो है हर जगह आपको मिलेगा, ये सादा गर्म पानी है और देखिए यहाँ से भाप भी निकल रही है। ये फुल टाइम गर्म होता ही रहता है, 24 घंटा ये इसमें लगा ही रहता है और हमेशा आपको फलता हुआ पानी मिलेगा। इसमें हमने पानी डाल दिया है और थोड़ी कॉफ़ी पी लेते हैं ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो इसके साथ हमने एक ले लिया है क्रोजन, देखते खा के।
कॉफी के साथ अच्छा लग रहा है। ये पूरा मार्केट एरिया है, बहुत बड़ा मार्केट है, ये आपको दिखाएंगे और इसका नाम भी आपको बताएंगे कि मार्केट का नाम क्या है। फिलहाल बंद है इसलिए पब्लिक नहीं दिख रही है, लेकिन जब चालू होगा तो आपको इसका रश भी दिखाएंगे कि कैसी पब्लिक का फ्लो है यहाँ पे। ये देखिए, हम इस शॉप में आए हैं, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हरम के बिल्कुल नज़दीक में है और ये बता रहे हैं कि असली और नकली जाफरान में क्या फ़र्क है। तो अभी इन्होंने एक जाफरान निकाला है, शक्ल में बहुत खूबसूरत लग रहा है जाफरान। This is scaled zafran asli. Shekel zafran asli. All fatin, fatin, all thin. All देखो। अच्छा। तो ये बता रहे हैं कि जाफरान जो चौड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा असरदार होते हैं और ये अभी बताएंगे इसमें फ़र्क क्या है। इसका असली होने का पहचान क्या है। And this is normal पानी, normal हाँ, ये एक नॉर्मल पानी लिया है इन्होंने। not warm, not अब तो मशहद में भी हम आए तो काफ़ी लोग को इंग्लिश और थोड़ा हिंदी आने लगी है, वरना पहले तो बहुत तकलीफ होती थी। देखिए एक स्ट्रिंग उन्होंने डाला है और बहुत सारा पानी डाला है और किस तरह से बता रहे पानी। हाँ before putting, scaling should doesn't have color. ये बोलना चाह रहे हैं कि जब तक इसको हम लोग तोड़ेंगे नहीं या घसेंगे नहीं ना, तब तक इसका कलर नहीं छूटेगा। ये असली की पहचान है, तो इन्होंने इसको सील कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जाफरान इसके अंदर है लेकिन रंग नहीं पकड़ा है जाफरान ने, तो इसका मतलब ये है कि ये असली है। अब इसको ये घसना शुरू करेंगे, तो देखिए इन्होंने इसको घस दिया है। अच्छा, जैसे ही इन्होंने इसको घसा यानी पूरा पीस दिया उसको, वैसे ही आप देख सकते हैं पूरा के पूरा पानी जो है वो चेंज हो गया, उसका कलर पूरा ज़ाफ़रानी कलर हो गया इसका। तो इसकी पहचान यही है कि पानी में अगर स्ट्रिंग डालोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, जब तक कि आप उसको ब्रेक नहीं करोगे यानी उसको घसोगे नहीं तब तक ये पता नहीं चलेगा कि असली है या नकली। अगर नकली होगा तो वो कलर पहले ही पकड़ लेगा, जैसे ही पानी में डालेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन असली में कलर चेंज नहीं होता है। सो थैंक यू वेरी मच, ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है हमको, तो इंशाल्लाह हम लोग आगे, अभी तो जस्ट आए हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे आके खरीदेंगे। और इनकी दुकान का कार्ड हमने दिखाया है आपको, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, ये कार्ड है इनका, इसका स्क्रीन शॉट आप ले सकते हो। और जब भी आप मशहद आओ तो इस दुकान पर ज़रूर आना और यहाँ से आप ख़रीदी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो आप कैंडी देख रहे हो ये है शक्कर, एक्चुअली ये शुगर जो है वो ज़ाफ़रान के साथ बनी हुई, इसको चाय में डुबा के पी जाती है चाय को। तो इसको चाय में रखते हैं तो ज़ाफ़रान का टेस्ट आता है और ज़ाफ़रान की स्ट्रिंग्स भी है इसके अंदर। तो इस तरह से ये कैंडी को ये लोग ट्रेडिशनल तौर पर चाय के अंदर रखते हैं, मिक्स करते हैं और उस चाय को पीते हैं ताकि ज़ाफ़रान का भी टेस्ट आता है, साथ में चाय का भी टेस्ट आता है। तो इसको ज़ाफ़रानी कैंडी बोलते हैं। और ज़ाफ़रान के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़ाफ़रान से सर्दी खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ज़ाफ़रान के। फ़ायदे आप गूगल में भी सर्च करिए, आपको बहुत मिलेंगे। इतना वक्त नहीं कि आपको सारे फ़ायदे मैं बता सकूँ, लेकिन बहुत फ़ायदा है। आप मशहद आओ तो ज़ाफ़रान ज़रूर लेके जाओ। सो गाइस, फाइनली हम लोग को रूम मिल गया है, जैसे कि हमारा चेक इन 2 बजे का था लेकिन होटल वालों ने हमें दे दिया रूम 8:30 बजे ही सुबह, क्योंकि होटल्स के रूम्स खाली थे तो उन्होंने क्लीनिंग करके हमको रूम्स दे दिया। तो चलते हैं रूम्स के अंदर और देखते हैं कैसा रूम है। तो ये है हमारा रूम, तो सबसे पहले एंट्रेंस में ये वॉशरूम है और यहाँ पे नहाने की फैसिलिटी है यहाँ पे अलग से, और यहाँ पे दिया हुआ है टूथपेस्ट, टूथब्रश, सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। और ये है यहाँ पे वॉशरूम, उसके बाद अंदर चलते हैं। यहाँ पे टॉवल्स वगैरह दिए हुए हैं, नीचे रूम में पहनने के लिए चप्पल, वॉशरूम में पहनने के लिए चप्पल है। उसके बाद ये है बेड, लैंप है, डबल बेड है, और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, नाश्ता वगैरह करना है तो यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं बैठ के। उसके अलावा ये टेबल है, ये डेस्क है जिस पे कुछ अगर हमको काम करना है तो हम काम कर सकते हैं, मिरर वगैरह है, घड़ी है, ये सारा यहाँ पे है।
तो बहुत ही अच्छा रूम है, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रूम है। चलो देखते हैं खिड़की से क्या दिखता है। तो यहाँ से व्यू, हरम का व्यू है यहाँ से, आप देख सकते हो कि सामने ही हरम है, तो हरम का व्यू भी यहाँ से है। तो बहुत ही प्यारा रूम है और बहुत ही अच्छा रूम है। सो होटल एटलस हाईली रिकमेंडेड है अगर आप आओ तो। अच्छा, होटल एटलस में दो सेक्शन है, एक क्लासिक और एक रॉयल। तो हमने जो लिया है वो रॉयल है। तो आप लोग भी अगर आओ मशहद और आपको होटल एटलस लेना है तो याद से आप रॉयल बोलना उनको बुकिंग करने के लिए, होटल एटलस का रॉयल चाहिए, क्योंकि दो बिल्डिंग हैं, एक क्लासिक और एक रॉयल। क्लासिक जो है वो पुरानी वाली है तो उसके अंदर रूम्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर रॉयल आप लेते हो तो इस तरह का आपको रूम मिलेगा। तो चलो हम लोग भी फ्रेश हो जाते हैं और नाश्ता करने जाते हैं, क्योंकि नाश्ता नीचे लग चुका है। तो चल के देखते हैं इनके नाश्ते में क्या क्या है। लेकिन आप अगर एटलस होटल ले रहे हैं, अगर रॉयल लेना है तो रॉयल ले या क्लासिक भी लेंगे, फ़र्क दोनों में इस चीज़ का नहीं है कि हरम दूर हो जाएगा। हरम उतना ही दूर है जितना रॉयल का दूर है, बिल्डिंग एक ही है, लेकिन बस यह है कि रूम्स का फ़र्क है। तो हरम के नज़दीक जो है वो मेन होना चाहिए कि हरम बहुत नज़दीक है। ये जो रूम है इंटरकनेक्टेड है, यानी कि एक बेडरूम इधर है और दूसरा बेडरूम उधर है। तो कैसा होता है कि अगर आप बड़ी फैमिली हो तो इंटरकनेक्टेड रूम ले सकते हैं, ये भी एक सहूलियत इसमें है, ताकि 7-8 लोग जो है इसके अंदर रह सकते हैं और एक दूसरे से मस्ती मजाक और बैठना उठना साथ में कर सकते हैं। तो वो रूम दिखाते हैं आपको जो इंटरकनेक्टेड है। इस वक्त यहाँ से लॉक रखा है उन्होंने, अगर हमको चाहिए होगा चाबी तो मिल जाएगी, क्योंकि वो रूम भी हमने लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल दरवाजे के बाजू में कबट है, और कबट के अंदर जो है 3 ब्लैंकेट हैं। ब्लैंकेट बहुत सॉफ्ट है, वैसे मौसम बहुत अच्छा है। हम तो यहाँ सोचे थे कि बहुत ठंडी होगी, तो कल एक मौसम बदलने में भी टाइम नहीं लगता इधर, तो हम भी स्वेटर लेके ही चले हैं, देखते हैं स्वेटर काम आता है या नहीं। तो इंटरकनेक्टेड जो रूम है वो बाहर से आपको दिखाते हैं। तो ये एक रूम है जो हमने अपनी बेटी को देके रखा है। एक्चुअली बेटी को सिर्फ नहीं दिया है, लेकिन हुआ ये था कि मेरी मम्मी आने वाली थी और ये होटल का रूम पहले से बुक था जो कैंसिल नहीं हो सका, तो हमको ये रूम अपनी बेटी को देना पड़ा। और बेटी जो है मज़े कर रही है इस रूम में, बेटी और नवासी। तो इसका भी रूम बल्कि हमसे बड़ा है और बहुत अच्छा है। डबल बेड एक साइड है और एक बेड सिंगल है, तो हम इस हिसाब से लिए थे कि नानी नवासी और मेरी नवासी, तो इस तरह से हम लोग रहेंगे करके। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक किस्मत में नहीं होता है, जब तक यहाँ की रोज़ी नहीं लिखी होती है, इंसान वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है। हम लोगों ने लाख कोशिश करी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये है जो आपको मैंने बताया इंटरकनेक्टेड है, ये खोलेंगे तो हम एक दूसरे के पास आना जाना आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं कि हम चाबी मांगे, लेकिन लगेगा तो हम ज़रूर मांग लेंगे। और ये मुझे बहुत पसंद है कि कपड़ा मतलब रखने के लिए जो हम कपड़े चेंज वेंज करते हैं, जैकेट वगैरह है, बुरखे है, वो हम आसानी से टंगा सकते हैं, ताकि आयरन जो है उसकी ख़राब नहीं हो, इस्त्री ख़राब नहीं हो। और यहाँ पे सेम वैसे ही देखिए, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे अच्छी लगती है जो किबला, जहाँ पर भी आप जाओगे ना किबला रुख बताते हैं, ताकि हमको इनसे पूछने जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और हम अपना मुसल्ला बिछा के कभी यहाँ नमाज़ पढ़ना है, कभी हरम में नमाज़ पढ़ना है, तो हम पढ़ सकते हैं। कूलर है, ये गर्मी में ठंडा करने का काम करता है और ठंडी में गर्म करने का काम करता है। उसका यहाँ रेगुलेटर है अलग अलग तरीके से गर्म और ठंडे का, तो इसको सेट करना पड़ता है। यह है, तो यहाँ देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक फ्रिज है, फ्रिज हर होटल में आपको मिलेगा, उसके साथ एक बॉटल पानी है जो फ्री है, और इसके बाद जो हम चीज़ें मंगाएंगे वो उसका चार्ज लगेगा। तो फ्रीज़र है, फ्रिज है, नीचे जो है एक बास्केट है, छोटा सा एक फ्रिज है जो नॉर्मल हम सामान रख सकेंगे। हमारा जो रूम है वो 2 बजे हमारा चेक इन था, तो आज का ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड नहीं था, यानी कल से हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा जितने दिन भी हम रहेंगे यहाँ पे।
तो अभी ब्रेकफास्ट तो करना ही है हमको, तो हमने उनसे कहा रिसेप्शन पे कि हमको ब्रेकफास्ट करना है, तो उन्होंने कहा कि बुफे लग चुका है, आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आज आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है तो हमको वो लोग 300 रुपया पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं, इंडियन 300 रुपीज़ पर पर्सन ब्रेकफास्ट का चार्ज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग फ्रेश होके सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने जाएंगे और वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे क्या क्या वेराइटीज़ हैं यहाँ पे। होटल 4 स्टार है, तो देखते हैं इनका 4 स्टार ब्रेकफास्ट कैसा होता है। सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ट्रे पड़ी है वो ले लो, और यहाँ जो है चाय की किटली है ये हम ले लेंगे। चाय की किटली मैंने ले लिया है ताकि चाय कॉफ़ी कुछ भी, और ये है चाय और ये पानी है सादा और ये है दूध। यहाँ पे ग्लास रखा है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। अभी स्पून ले लेंगे। ये राजमा है, बॉयल एग है, तो ये है फ्राई किए हुए आलू जो मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगी क्योंकि इंसिया भी खाती है और हम लोग भी खाएंगे। ये हाफ फ्राई एग है, कितना लो रिया बस। तो अभी काली मिर्च जो है बैग में रखी है, देखते हैं ला सकते हैं कि नहीं, आज ऐसे ही खा लीजिएगा आप। ये क्या है? अच्छा ये ईरानी स्टाइल की खीर है जो हम नहीं लेंगे। ये क्या है? नहीं मालूम। कालीन लेबन, लेबन चीज। Thank you.